मित्रों, सनातन धर्म की प्राचीनता का इतिहास कितना पुराना है ये आज तक रहस्य ही है। विश्व के विभिन्न देशों में पुरातत्वविदों को ऐसी ऐसी मूर्तियां और मंदिर मिले हैं जिनका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। साथ ही कुछ ऐसी निशानियां भी मिली हैं जिनके लाखों वर्ष पुराना होने का दावा किया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सनातन धर्म पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति के साथ आरंभ हुआ था, जो आज तक विद्यमान है और हमेशा रहेगा। मित्रों, हम अपनी पिछली कई वीडियो में सनातन धर्म की प्राचीनता सिद्ध करते आए हैं और आज की इस वीडियो में हम सनातन धर्म से संबंधित एक और प्राचीन भगवान शिव की मूर्ति के विषय में बताने वाले हैं, जिसने पुरातत्व वैज्ञानिकों को भी सनातन धर्म की महानता को मानने पर विवश कर दिया है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मुस्लिम क्षेत्र में समुद्र के 300 फीट नीचे मिली भगवान शिव की ऐसी मूर्ति के विषय में बताने वाले हैं जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तथ्य। दोस्तों, इजिप्ट के शहर हेराक्लियोन के समुद्र में लगभग 300 फीट गहरे पानी के नीचे एक मंदिर मिला है। इस मंदिर ने पुरातत्वविदों को आश्चर्य में डाल दिया है। दोस्तों, अहम बात यह है कि समुद्र के अंदर मंदिर के साथ भारी मात्रा में तांबे के सिक्के और ज्वेलरी भी पाई गई है। पुरातत्व वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर 1200 वर्ष पुराना है, वहीं कुछ अन्य वैज्ञानिक इसे 2000 साल पुराना बता रहे हैं। कुछ पुरातत्वविद इसे ग्रीक मंदिर भी मान रहे हैं, जो समुद्र के अंदर टूटकर बिखर चुका है। लेकिन इस पर जब और भी खोजबीन की गई तो पुरातत्वविद हैरान रह गए। दोस्तों, इन्हें सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब इन्हें भगवान शिव की मूर्ति मिली, क्योंकि इजिप्ट एक मुस्लिम देश है और एक मुस्लिम देश में हिंदू भगवान की मूर्ति मिलना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ये मूर्ति कितनी पुरानी है इसका अभी अध्ययन किया जा रहा है, परंतु अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मूर्ति लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। पुरातत्व वैज्ञानिक अब इस बात का भी पता लगा रहे हैं कि क्या 2000 वर्ष पहले इजिप्ट यानी मिस्र में सनातन धर्म था और यहाँ हिंदू मंदिर हुआ करते थे जिनमें पूजा अर्चना की जाती थी। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि हेराक्लियोन शहर 2001 में खोजा गया था। यह शहर कब और कैसे समुद्र में समा गया इस पर रिसर्च आज भी जारी है। यूरोप और मिस्र के वैज्ञानिकों ने मिलकर इसकी खोज की है। इसके अलावा खोजकर्ताओं की टीम को समुद्र के अंदर कई प्राचीन सिप भी मिले हैं। इनमें क्रोकरी, सिक्के और ज्वेलरी से भरे बर्तन भी मिले हैं, जो 4वीं शताब्दी के बताए जा रहे हैं। ये शहर एक जमाने में व्यापार का अहम केंद्र भी माना जाता था, जिसे अब अबू कीर खाड़ी के नाम से जाना जाता है। पुरातत्व वैज्ञानिकों के अनुसार तांबे के ये सिक्के किंग पटोलमी के समय के हैं। यहाँ समुद्र के जल में एक प्रमुख ग्रीक शैली मंदिर के साथ एक छोटा मंदिर भी मिला है। ये मंदिर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी का माना जा रहा है। खोजकर्ता वैज्ञानिक ने कहा है कि ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे ये माना जा रहा है कि यहाँ पर पूजा अर्चना होती रही है, लेकिन अभी भी वैज्ञानिक किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुँच सके हैं। पुरातत्व वैज्ञानिकों के अनुसार हेराक्लियोन शहर कभी मंदिरों का शहर हुआ करता था। समुद्र के अंदर ये जिस हिस्से में मिला है उसे इजिप्ट का अटलांटिस क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों, यहाँ समुद्र में कई इमारतों के भी अवशेष मिले हैं, ये काफी दूर तक फैला हुआ बताया जा रहा है। खोजकर्ताओं के अनुसार शायद ये किसी सुनामी के कारण पूरा शहर समुद्र में समा गया होगा। इसके अलावा सन 2006 और 2007 के आसपास यहाँ पर फ्रेंच युद्ध पोत भी पाए गए थे, जो 18वीं शताब्दी के थे। पुरातत्वविदों का मानना है कि 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1200 साल पुराने इस मंदिर को खोजा गया है। उन्होंने कहा कि हमारी खोजबीन में ये भी पता चला है कि प्राचीन ग्रीक धर्म हिंदू धर्म ही था, जिसे वहाँ की भाषा में ग्रीक कहा जाता था। ये वहाँ का राज धर्म हुआ करता था। कहा जाता है कि यहाँ 2000 वर्ष पूर्व लोग सनातन धर्म को ही मानते थे, लेकिन उसके बाद वहाँ जो कुछ भी अवशेष थे धीरे धीरे उनका ईसाईकरण होता गया और यहाँ के लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया। इसके बाद फिर धीरे धीरे इनका इस्लामीकरण हुआ और आज वहाँ इस्लाम अधिकता में है। लेकिन ऐसे प्राचीन प्रमाण सिद्ध करते हैं कि सनातन धर्म इस सृष्टि के सृजन के समय से ही मौजूद है। लेकिन जिन जगहों पर कभी सनातन धर्म हुआ करता था वहाँ के लोग आज अपने प्राचीन धर्म संस्कृति को भुलाकर दूसरे मजहब और समुदाय
राय में बट गए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि जिस तरह इजिप्ट के समुद्र में भगवान शिव की मूर्ति तथा मंदिरों के अवशेष मिले हैं, उनसे ये साफ जाहिर होता है कि वहाँ कभी ना कभी सनातन धर्म अवश्य था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।